आगरा के सांसद और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल। बघेल साहब बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि निकाय चुनाव फिर मिशन 2024 की तैयारी, अब इन्हीं तैयारियों में आप लोग जुड़ गए हैं और जुटे हुए हैं पूरी तरह। बघेल साहब, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत, क्योंकि एक बड़ी बात ये है, क्योंकि मुलायम सिंह आपके गुरु जी नहीं रहे और वो आपके गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, तो मैं चर्चा की शुरुआत वहीं से करूँगा सर। राजनीतिक गुरु, हालांकि ठीक है पार्टियां बटी, मुद्दे बटे, सब चीजें होती है, लेकिन राजनीतिक गुरु मुलायम सिंह का जाना आपके लिए व्यक्तिगत कितनी क्षति है? निश्चित तौर से इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि उन्हीं की टिकट पे मैं 3 बार लगातार जलेसर पार्लियामेंट से समाजवादी पार्टी का सांसद चुना गया, और उसके पहले राजनीति की शुरुआत मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का, जिसका कम जिक्र करते हैं लोग, मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, और उस संगठन के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के बूथ तक संगठन का गठन किया है, और ये राजनीति में ये होना चाहिए। मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कह रहा हूँ कि किसी भी पार्टी का एमएलए, एमपी, एमएलसी या प्रतिष्ठित नेता है, और उसकी सरकार हो या ना हो, उसके जो बहुत निजी काम होते हैं जो होने लायक हैं, जैसे उसके बेटे का, उसकी बेटी का, उसके भाई का, उसके दामाद का, अब कजन के नाम पे नहीं बहुत आकर रिश्तेदार पे जाना चाहिए, उनके निजी कामों को भी करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में लंबे समय उन लोगों ने अपनी सरकारों में समाज सेवा की है। संयोग से डेमोक्रेसी में उनकी सरकार नहीं है, तो कम से कम इतना मान सम्मान उनका रहना चाहिए कि उनके अत्यंत निजी काम हम सब लोगों को करना चाहिए। दूसरा, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, दुख और सुख इन दोनों समय पर जाना चाहिए। तो मैं मुलायम सिंह जी को देखने मेदांता गया, उसके बाद उनके दाह संस्कार में सेफ ही भी गया। ऐसा करके मैं आने वाली पीढ़ी को ये बताना भी चाहता हूँ कि मतभेद होने चाहिए लेकिन कभी मनभेद नहीं होना चाहिए। और उनकी मृत्यु के बाद आपने देखा होगा पूरे देश के बड़े नेताओं ने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलियाँ अर्पित की हैं, और मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ पहुँचे, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे, स्वतंत्र देव जी पहुँचे, और दाह संस्कार पर श्री राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से पहुँचे। विपक्ष के कई मुख्यमंत्री गए, उनका एक हिडन एजेंडा हो सकता है कि जो जो प्रधानमंत्री के दावेदार आगे यही था। अच्छा, तो मैं भांप लेता हूं, लिफाफा देख के मजबूत समझ जाता। नेताजी के निधन पे नीतीश कुमार से लेकर के तमाम सारे नेता आए, लेकिन 2024 टारगेट विपक्ष एकजुट होकर के, जिस आप मनभेद की बात कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें साफ तौर पर दिखा एजेंडा 2024 जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और सभी मिल करके पिछली गलती को नहीं दोहराना चाहते। मैं इसमें एक सवाल और जोड़ लेता हूँ। हाँ। गुरु की सीट पर अब उपचुनाव भी होना है, तो वहाँ क्या कमल भी खिल पाएगा? अभी गीता बहुत पहले मैंने पढ़ ली थी, और पढ़ नहीं ली है बल्कि समझ भी ली है। तो गीता यही कहती है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई, न्याय अन्याय की लड़ाई, नीत अनीत की लड़ाई, सदाचार और दुराचार की लड़ाई में यदि आपको अधर्म को, अनीत को, दुराचार को, पाप को नष्ट करने में अपना योगदान देना चाहिए तो योगदान देना चाहिए। जो आपने विपक्षी एकता की बात कही है, चचा चाणक्य ने बहुत पहले कह दिया था, वर्षों पहले, कि यदि राजा लोकप्रिय होगा तो दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्भिसंधियाँ हुआ करेंगी। मैंने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, दुर्भि। तो ऐसी ही एक दुर्भिसंधि जो आश्चर्यजनक किंतु सत्य है, जिसकी कोई संभावना नहीं थी, जिसमें मरने वाला और मारने वाले एक हो रहे थे, वो था 2019 की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की एकता। गेस्ट हाउस कांड याद होगा, बहन जी ने अपने समाज की सिंपैथी को 3 जून 1995 के बाद और 19 के गठबंधन तक हर मंच पर उसका जिक्र करके भावनात्मक सहानुभूति को अपने समाज में और अन्य समाज में भी अर्जित करने का प्रयास किया, और उसमें वो सफल हुई। इसी से उन्होंने अपने समाज को जोड़ा, और जोड़ा ही नहीं, उनके अंदर ट्रांसफरेबल क्षमता थी। तो दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्भिसंधि ऐसी 2019 में हुई थी कि मारने का प्रयास करने वाले, और जो अगर भारतीय जनता पार्टी खासतौर से कलराज मिश्रा, लाल जी टंडन और स्वर्गीय हमारे फरकाबाद के जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने सहयोग नहीं किया होता, तो गेस्ट हाउस कांड में संभवतः बहुत बड़ी क्षति होती। लेकिन जब
सात में बहन जी आई, 12 में वो चली गई, फिर 14 में दोनों चले गए, फिर 17 में दोनों चले गए, फिर 19 में दोनों जाते, इसकी वजह से वो एक गठबंधन हुआ। उसका परिणाम भी आया है कि समाजवादी पार्टी के 5 MP आए हैं तो बहुजन समाज पार्टी के 10 आए हैं। और आप देखिए कि 19 और 22 का अंतर देखिएगा कि 2019 में जो बहुजन समाज पार्टी 10 MP लाती है, माने 50 MLA को हम लोग मानते हैं, आज उस बहुजन समाज पार्टी का केवल 1 MLA है। और उस MLA की भी मैं व्याख्या कर दूं कि उमाशंकर सिंह, यद्यपि BSP का योगदान उनकी जीत में है, लेकिन उमाशंकर सिंह को माइनस कर दो तो वो भी सीट उनके पास नहीं है, क्योंकि मैं 17 से 22 MLA और मिनिस्टर रहा जब, सॉरी 19 तक, तो मैं लोकप्रिय नेताओं के बारे में बहुत पूछता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये चुनाव कैसे जीतते हैं। तो मुझे पता चला कि उमाशंकर सिंह जी सामूहिक विवाह बहुत कराते हैं, सीनियर सिटीजन्स को धार्मिक धर्म यात्रा वगैरह कराते हैं, तो मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं, तो उसकी वजह से वो जीते हैं। तो इसी गठबंधन, ऐसा ही एक गठबंधन हो रहा, मैं वहाँ देख रहा था, ऐसी बात नहीं, सामाजिक संबंधों के निर्वहन में भी बहुत लोग आए थे, लेकिन जो खास तौर से जिनकी अतृप्त इच्छाएँ प्रधानमंत्री बनने की हैं, उन्होंने ऐसे दुख और सुख में जाकर के नहीं कोशिश करते हैं। लेकिन मंत्री जी इस बात को तो मानेंगे कि जातिगत समीकरण चुनाव के वक्त आ जाते हैं, और नीतीश कुमार जी यूपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसा उनके पार्टी के लोग सब लोग उसको इनकार भी नहीं कर रहे हैं, तो वो एक जाति को बिहार से लेकर के यूपी तक साधेंगे, उसका आप लोग तोड़ क्या निकालेंगे? खुल के बातें करें, करना ही पड़ेगा, जिसके लिए मैं जाना जाता हूं। नीतीश कुमार के बिहार में उनकी जात कुर्मी के अलावा अन्य प्रशंसक और समर्थक हो सकते हैं, उनकी कुछ गवर्नेंस को लेकर के, गुड गवर्नेंस अगर उन्होंने रखी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस समाज के वो हैं उनके एडमायरर हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई वोटर नहीं है। मैं उदाहरण के तौर से कहना चाहूँगा, हालांकि बड़ी अजीब सी बात कह रहा हूँ, कि जिस समाज के वो हैं, नीतीश जी का कोई स्कोप उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑलरेडी संतोष गंगवार एक स्थापित नेता, भारतीय जनता पार्टी के 9 या 10 बार के MP हैं, तो राजेश वर्मा इसी समाज के हैं, तो रेखा वर्मा इसी समाज की हैं, तो रवि वर्मा जो 3 बार MP खुद रहे, 3 बार उनकी माँ रहीं, 3 बार उनके पिताजी रहे, रवि तो 4थी बार हैं राज्यसभा में, वो उसी समाज के हैं। हमारे पास विनय कटियार साहब इसी समाज के हैं, तो प्रेमलता सचान हमारे पास इसी समाज की हैं, तो उनकी लड़की यूपी में मिनिस्टर हैं, वो इसी समाज की। स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे बड़े स्थापित नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, जल शक्ति के बड़े मंत्री हैं, वो भी इसी समाज के हैं। तो RK पटेल साहब बांदा के MP हैं, वो भी इसी समाज के हैं, तो रामकुमार वर्मा इसी समाज के हैं, तो ओम प्रकाश सिंह इसी समाज के हैं। मैं बहुत अभी नीचे नहीं उतर के पा रहा हूं, तो बिनी प्रसाद वर्मा का बेटा राकेश वर्मा भी राजनीति कर रहे हैं, वो इसी समाज के हैं। अनुप्रिया पटेल स्वयं इसी समाज की हैं, तो अनुप्रिया पटेल की बहन भी एक PM मटेरियल कोई नहीं है उसमें। अब मैं इतनी बात कर रहा हूं, तो नीतीश जी के चुनाव चिन्ह को उत्तर प्रदेश की जनता के 90% लोग उनके चुनाव चिन्ह को भी नहीं जानते, और मैं बताना नहीं चाहता हूं कि उनका चुनाव चिन्ह क्या है। दूसरी बात है, जिस समाज के वो हैं उस समाज में विभिन्न राजनीतिक दलों में बहुत ही प्रतिष्ठित नेता हैं, इसलिए किसी हिस्से में दशमलव कुछ आएगा तो आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। सर, आपने खुद कहा कि मैं खुलकर बोलूं, और आप खुलकर और बेबाक जवाब भी देते हैं, तो खुलकर बताइएगा सर, क्योंकि चुनाव से ही जुड़ा मुद्दा है, क्या 2024 से, क्योंकि आप तो केंद्रीय कानून राज्य मंत्री भी हैं, क्या कॉमन सिविल कोड लाने जा रहे हैं? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये शामिल है। उसमें काशी भी थी, मथुरा भी थी, अयोध्या भी थी, धारा 370 भी थी, उसमें 35A भी था, उसमें 3 तलाक भी था। तो जो हमारे एजेंडा थे, और एजेंडा 5 साल के लिए होता है, हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो घोषणा पत्र होता है वो किसी, जैसे किसी भी धर्म के व्यक्ति को, हाँ, जैसे हम हिंदुओं के लिए गीता का बड़ा महत्व है, मुस्लिम समाज के लिए कुरान का बहुत महत्व है, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल का, या सिख समाज के लिए हमारे गुरुग्रंथ साहब का है, इतना ही किसी भी राजनीतिक दल को जो उसने मैनिफेस्टो दिया है वो उसका उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मैं तो कई बार ये तक कहता हूँ कि कह के अगर नहीं करें तो ये एक चीटिंग है। पता नहीं घोषणा पत्र की किस वाक्य से प्रभावित होकर मैंने किसी दल को वोट डाला है। जैसे मैं एक बेरोजगार होता तो इस बात पर मैं वोट डालता मोदी जी को और योगी जी को। उन्होंने कहा था कि यदि उनकी सरकार आ जाएगी तो नॉन गेस्टेड नौकरियों में वो साक्षात्कार समाप्त करेंगे। तो मैं उम्मीद करता था कि इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते थे, इंटरव्यू निकालने के लिए होते थे। लेना है तो आगरा की स्पेलिंग बताओ, नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बताओ।
और जब तक इंटरव्यू की वीडियोग्राफी नहीं होगी तब तक आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते कि मैंने सब सवालों का जवाब दिया तो मुझे कम नंबर मिले, उसने नहीं दिया तो उसको नंबर मिले। तो मैं वोट डालता इसलिए कि ये देश में 130 करोड़ में ज़्यादातर नौजवान हैं और बेरोजगार हैं। इंटरव्यू समाप्त करना आज़ादी के बाद मैं एक बहुत बड़ा काम मानता हूँ। तो मूल प्रश्न क्या था? कॉमन सिविल कोड अंदर खाने आ रहा है। यस कॉमन सिविल कोड के अलावा बहुत सी चीज़ें आएंगी। 370 से पहले आप लोगों ने जब हम लोगों की घेराबंदी करते थे तो ऐसी तो जवाब हम लोग देते थे। मुझे खुशी है कि चार बार मैं एमपी रहा तो सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा करता रहा। फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक के लाइसेंस तक ही राजनीति सीमित रही। इस बार राष्ट्रीय राजनीति, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का एमपी हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि इस बार जब मैं लोकसभा में था तो धारा 370 ख़त्म करने में, 35 से ख़त्म करने में, और ये ट्रिपल तलाक जो मुस्लिम आधी आबादी के ऊपर एक तलवार लटकी रहती थी उसको ख़त्म करने में मेरा बड़ा योगदान है। तो कॉमन सिविल कोड होना ही चाहिए। अब मैं एक बात कहता हूँ कि ये कोई कबीलों वाला देश नहीं रहा है कि कबीलों की अपनी अपनी संस्कृति रहेगी। पूजा पद्धति ये सब निजी चीज़ें हैं लेकिन देश संविधान से चलेगा और देश कानून से चलेगा, देश मोबोक्रेसी से नहीं चलेगा, देश डेमोक्रेसी से चलेगा। 2024 का एजेंडा क्या माना जाए, सेट किया जा रहा है? आप 370 की बात कर रहे हैं, CNRC की बात कर रहे हैं, कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो 2024 विकास और तमाम सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, थोड़ा कंसेप्ट समझाइएगा कि एजेंडा क्या होने वाला है। दो प्रकार के एजेंडा हैं। एक तो मोदी जी के लिए एक शेर पढ़ देता हूँ कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ताली बजा दीजिए भाई। अच्छा वो मैं बजवा लूँगा। और मेरी ज़िंदगी एक मसलसल सफ़र है, मंजिल पे पहुँचा तो मंजिल बढ़ा दी। तो मंजिल थी शौचालय, कर दिए, अब आगे बढ़ गए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास करना था, कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। किसानों के लिए सम्मान निधि लानी थी, 2,000 रुपये की 3 किस्त, एक बटन दबती है 12वीं किस्त आ जाती है, 13वीं आ जाएगी, आगे बढ़े। तो श्रमिकों के लिए श्रमिक कार्ड लेकर के आए हैं, तो गरीबी के अभाव में कोई मरे ना, झोला छाप डॉक्टरों से इलाज ना कराए, और इसलिए 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का लिए आयुष्मान कार्ड लेके आए। समय सीमित है वरना 1.5 घंटे तक मैं ये योजनाएं बता सकता हूँ। नॉन गेस्टेड नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त लाए। तो ऐसा है कि ये विकासशील देश है, ये विकसित राष्ट्र नहीं है। विकसित राष्ट्र भी कुछ ना कुछ अपने में सुधार करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगलवार को शायद कैबिनेट करते हैं। हर कैबिनेट में कोई ना कोई जन उपयोगी कानून आता है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जब कैबिनेट करते हैं उसके बाद प्रवक्ता जब बताते हैं तो कोई एक उपहार मान लें वो देश को मिलता है। तो 2000 और जो फौजें, दूसरा ये है कि यहाँ विजय शिवहरे जी बैठे हैं, मथुरा के प्रभारी हैं, चौथे दिन जाते होंगे। हमारे मंडल अध्यक्ष किसी भी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक काम करने वाले थाना अध्यक्ष से ज़्यादा काम हमारा मंडल अध्यक्ष करता है, उसको कुछ ना कुछ मिलते ही रहता है क्योंकि ये चुनावों का देश है। इसलिए प्रधानमंत्री कई बार एनर्जी बहुत वेस्ट ना हो, समय बर्बाद ना हो तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। जैसे वन नेशन वन ग्रिड उन्होंने कर दिया है, वन नेशन वन राशन उन्होंने कर दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन की इसलिए बात करते हैं कि फिर हम लोग विकास में लग जाएं, क्योंकि कभी लोकसभा के चुनाव तो कभी विधानसभा के चुनाव तो कभी विधान परिषद के चुनाव तो कभी राज्यसभा के चुनाव कभी जिला पंचायत के चुनाव। अब हमारी सिर पे बैठी है नगर पंचायत नगर पालिका परिषद और नगर निगम के चुनाव, उससे निवृत्त होंगे तो हो रहे होंगे सेम समय गुजरात के चुनाव, हिमाचल के चुनाव, इससे निकलेंगे तो मध्य प्रदेश या कोई दूसरा राजस्थान सामने आ जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन वो सोच रहे हैं। तो जो फौजें, विषय से थोड़ा हट गया हूँ, सतत हम लोग काम करते हैं, सेवा ही संगठन है इस मूल मंत्र को रखते हुए, जब कोरोना काल में सभी राजनीतिक दल अपने घर पे बैठे थे, ट्विटर पुत्र पैदा हो गए उन दोनों बहुत, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सेवा करते रहे। तो जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं उनको युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। जी मैं तो आपके संसदीय क्षेत्र से 2-3 छोटे छोटे सवाल लूंगा सर। हाईकोर्ट की एक ब्रांच की मांग
अधूरी पड़ी है सर, नहीं ध्यान दिया, आप तो कानून मंत्री भी है तो थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। एक बैराज बनाने की मांग है कि यमुना पर बैराज बढ़ जाए तो जल पर्यटन का बढ़ावा, बैराज नहीं बन पाए तो एक चैनल ही बन जाए उससे फ़ायदा हो सकता है। एक सर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चलिए अब जेवर में बन रहा है तो मुश्किल है कि अब आगरा को मिले, लेकिन लोगों की है कि खेरैया हवाई अड्डा उस पर ही कोई सिविल टर्मिनल बना जाए, तो ऐसी ऐसी मांग, और ये आप ही आप करा सकते हैं क्योंकि आप केंद्र में बैठे हैं, आप सांसद भी हैं, आप कानून मंत्री भी हैं, तो आपके लिए चीज़ों को आसान करा सकते हैं। ये अधूरा क्यों है सर अब तक? अगर आप जी हिंदुस्तान की जगह आगरा के एमपी होते और आपके हाथ में होता तो क्या ऐसा आप करते कि आप ना कराएं? अगर आपके हाथ में, कोई एमपी आलसी हो सकता है कि वो मेरी तरह रात 2 बजे तक काम ना करे, वो सब शादी ब्याह 13वीं भागवत कथा रसिया दंगल कब्बाली कुआ पूजन और एकादशी के व्रत के उद्यापन में ना जाए, हम जैसे लोग भैंस के मरने पे भी जाते हैं, लेकिन अगर उसकी कलम में विकास है तो वो विकास जरूर करेगा। जैसे आपको अपनी चैनल के फलने फूलने पर खुशी होती है, किसान को अपने लहलहाते हुए खेतों को देख करके अच्छा लगता है, व्यापारी को अपने व्यापार पनपते पर अच्छा लगता है, ऐसे ही राजनीतिक व्यक्ति को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में विकास होते हुए अच्छा लगता है। अब मैं तीनों एजेंडे पर खुल के बात करता हूँ। आपने हाई कोर्ट की खंडपीठ की बात की, अब बहुत प्रतिष्ठित चैनल है और बहुत व्यूवर्स इसके बहुत हैं जी हिंदुस्तान यूपी और उत्तराखंड, तो मैं इसमें कहना चाहूँगा, बहुत नपे तुले शब्दों में बोलूँगा, और जो संवैधानिक व्यवस्था किसी भी शहर में सर्किट बेंच या खंडपीठ खुलने का एक बहुत अच्छा हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा है, जिससे एजुकेटिव जुडिशरी में झगड़ा ना हो, कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका में। वो ये है कि यदि उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये समझते हैं, क्योंकि वो न्यायाधीश के साथ प्रशासनिक ऑफिसर भी हैं, यदि वो समझते हैं कि उनके राज्य में एक खंडपीठ की आवश्यकता है, तो वो उस राज्य के मुख्यमंत्री और उस राज्य के राज्यपाल को एक सुझाव भेजेंगे, प्रस्ताव भेजेंगे, और राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब से एक कंप्लीट प्रपोजल जब हमारे पास आएगा, हमारे विभाग पे, एक कंप्लीट शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसे ज़मीन उनको देनी है, पैसा उनको देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको करना, ऐसा प्रस्ताव जब आएगा तो 1 मिनट के 100वें सेकंड में हम लोग खंडपीठ की मांग को मान लेंगे। मैं ऐसी कुछ बातें तेलंगाना में हो रही होंगी, कुछ महाराष्ट्र में हो रही होंगी, होती हैं, जैसे कोल्हापुर खंडपीठ की वो मांग करते हैं, राजस्थान में उदयपुर की मांग करती है क्योंकि उनके जोधपुर में उनका हाई कोर्ट है और जयपुर में उसकी खंडपीठ है। मध्य प्रदेश राज्य में जिसकी आबादी हमसे 1/4 है, उसमें जबलपुर हाई कोर्ट है और ग्वालियर और इंदौर उनकी खंडपीठ है, लेकिन उनकी राजधानी भोपाल में अभी सब चीज़ होने के बाद एजी ऑफिस है, सचिवालय है, पुलिस हेडक्वार्टर है, लेकिन उनके पास खंडपीठ नहीं है। तो मैं ऐसे जो आपके माध्यम से देश के लोग सुन रहे हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान से किसी भी राज्य से वहाँ के मुख्य न्यायाधीश का भेजा हुआ प्रस्ताव मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा अभी हमारे विभाग में कोई विचाराधीन नहीं है। मैं थोड़ा आगे बढ़ के अब खेलना चाहूँगा और वो ये खेलना चाहूँगा मैं आगे बढ़ के कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम में खंडपीठ की मांग जायज है, और कल इलाहाबाद में मेरे खिलाफ़ कुछ पुतले फूंक सकते हैं आज के बाद, उसकी चिंता अगर मैं करूंगा तो फिर एसपी सिंह बघेल कौन कहेगा। शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, शामली, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, कासगंज, इवन इटावा, औरैया, बहुत दूर है खंडपीठ हमारा मुख्य हाईकोर्ट, बल्कि मैं मजाक में कहता हूँ लेकिन सच है कि श्याम यहाँ से पड़ता है 750 किलोमीटर दूर, और दूसरा हिमाचल का हाईकोर्ट शिमला, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से मुझे लगता है 300 किलोमीटर होगा। ओके, देन हमारे मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सर हम उनका उदाहरण क्यों दें, आगरा से जहां हम बैठे हैं यहां से 240 किलोमीटर दूर जयपुर हाई कोर्ट है, और हमारा यहां से 500 किलोमीटर दूर है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के आखिरी जिलों से 750। कई बार मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का लाहौर हाई कोर्ट अमृतसर से केवल 40 किलोमीटर दूर है, वो भी हमारे राज्य से 300-300 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारा अपना 750 किलोमीटर दूर है। मैं और आगे बढ़ के कहना चाहूँगा कि हाई कोर्ट, अब लोग कहते हैं कि कॉमन मैन का हाई कोर्ट से क्या मतलब है, कॉमन मैन का हाई कोर्ट से मतलब है, अभी अभी मैं 5 घंटे जनता से मिल के आया हूँ, इतवार का दिन मेरा ओपन डे, नो नीड ऑफ एनी अपॉइंटमेंट, कोई भी
आ सकता है कोई भी के चक्कर में, आज 14 लोकसभाओं की जनता आई, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश और भरतपुर, धौलपुर। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में, मैंने ट्रांसफ़र पॉलिसी 3 साल की थी, मैंने 10 दिन पहले एक का ट्रांसफ़र कर दिया, ये सोचते हुए कि 10 दिन क्या मायने रखते हैं, जब तक सामान अमान बांधेंगे तब तक उनका कार्यकाल। वो श्रीमान जी हाईकोर्ट चले गए और हमारा वकील जवाब नहीं दे पाया। जज साहब ने पूछा क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी का पालन हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं सर। अब ये नहीं कहा कि सर 10 ही दिन बाकी हैं, वरना जज साहब डांट भी लगा सकते थे, स्टे कर दिया गया। मेल पर झगड़े पर हाईकोर्ट जा रहे हैं, चक्रोल के झगड़े पर लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं। अगर आप किसी का इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है तो वो हाईकोर्ट जा रहा है। यहाँ के कप्तान अगर किसी सिपाही को लापरवाही में सस्पेंड करेंगे तो वो फॉर्मेलिटी निभाते हुए DIG IG के होते हुए सीधे हाईकोर्ट चला जाएगा। भाई भाई के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे ला रहा है, तो हाईकोर्ट DPC नहीं हो रही है, इसके लिए लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आजकल जनहित याचिकाओं का दौर है, तो लोग हाईकोर्ट जाते हैं और लोग अपने निजी संपत्ति के मामले में कई बार तो 324 या 325 में या धारा 323, 324, 325, 147, 147, 549, 504, 504, 506 में भी सजा होती है, तो वो सीधे हाईकोर्ट जाते हैं। उसको FIR को क्वेश कराने के लिए लोग बाग हाईकोर्ट जा रहे हैं, अरेस्टिंग स्टे के लिए हर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लोग बाग हाईकोर्ट जा रहे हैं, सेम डे बेल हो जाए इस बात के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं। इतनी लंबा व्याख्यान में इस बात पे दे रहा हूँ कि आम जनता हाईकोर्ट मांगती है और एक्सेस टू जस्टिस जब हमारा नारा है और पेंडेंसी को देखते हुए हमको लगता है कि खंडपीठ पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। आगरा उसके लिए अनुकूल इसलिए है कि जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच को लेकर के बहुत सारी बातें की तो उफनते हुए आंदोलनों को दबाने के लिए सरकारें आयोग बैठा देती हैं और वो आंदोलन फिर रुक जाता है कि भाई आयोग बैठ गया। जसवंत सिंह आयोग एक बैठा, जसवंत सिंह आयोग ने करोड़ों रुपए तनख्वाहें ली, कर्मचारी रहे, जीप मिली, बंगला मिला, एक्सटेंशन मिला और उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, तो उस रिपोर्ट को मान लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ यही कहता हूँ ना कि हम यही हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, वरना मुख्यमंत्री आएगा कोई किसी जिले का तो वहाँ हाईकोर्ट ले आएगा, कोई मुख्यमंत्री फिर किसी जिले का आएगा वो हाईकोर्ट ले आएगा। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ द हाईकोर्ट की रिकमेंडेशन और राज्यपाल और मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन से हमारे पास ये आना नेता, चाहिए। नेता मैं आगरा के सपोर्ट में इसलिए भी बहुत सी बातें करता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं, क्योंकि फतेहपुर सीकरी देश की राजधानी थी जिसमें पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी था। जब अकबर बादशाह ने किसी को सजाए मौत दी होगी तो उसकी अपील कहाँ हुई होगी? फतेहपुर सीकरी में हुई होगी। इसके बाद जहांगीर ने भी आगरा से राजकाज किया है, शाहजहां ने भी चलाया। तो हम हाईकोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट रहे हैं और हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा, अवध और ये सेंट्रल प्रोविंसेस जब थे तो आगरा में खंडपीठ थी। हमारे पास बहुत अच्छा एक्सप्रेस हाईवे है, हमारे पास मथुरा वाला बहुत अच्छा NH है, हमारे पास 2 रेलवे लाइन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हैं। आगरा इज सिचुएटेड ऑन द दिल्ली साउथ रेलवे लाइन और जो टुंडला इज द एक्सटेंशन रेलवे स्टेशन ऑफ द आगरा सिटी और उस पर जितना भी बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो टुंडला हमारा है। आजकल टुंडला स्टेशन को आगरा स्टेशन में शामिल कर लिया गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हम लोग ठीक हैं। मैं आपको रुकूंगा इसलिए कि नेताजी के आप शिष्य हैं, समझ में आता है, इतना व्यापक कि कई सारे सवाल वैसे भी अभी अधूरे रह जाएंगे, अफसर भी रहे हैं तो जानकारी ज्यादा है, इतने ज्यादा व्यापक कि हमारे कई सवाल रह जाएंगे। सवाल नहीं नहीं, हाईकोर्ट पे आए, दूसरा बैराज के बारे में थोड़ा संक्षेप में रखिएगा, फिर हम चर्चा। अब आगरा के प्रश्न है तो थोड़ा डिटेल बोलना पड़ेगा। बैराज के मामले में मैं खुदनी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। जब मैं टुंडला से मिनिस्टर था तब भी उनके साथ हेलीकॉप्टर में यमुना के किनारे गया था, जब मैं आगरा का MP नहीं था, लेकिन मैं आगरा में रहता हूँ। मैं MP जलेसर से रहा, 3 बार राज्यसभा में रहा, टुंडला से MLA रहा, लेकिन जिस शहर में आप रहते हैं उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी। अब तो मैं सीधे सीधे यहाँ का MP हूँ, तो हम लोगों ने साइट देखी थी। फिर रबर का बैराज का एक कंसेप्ट आया था जो इंडिया में पहला बन रहा था, उस पर यहाँ की टोपोग्राफी को देखते हुए, जमुना के मूड को देखते हुए, पानी की उपलब्धता पे देखने पर, बाढ़ को देखते हुए, वो शायद बहुत उचित नहीं माना गया है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि DM और कमिश्नर के यहाँ से एक प्रस्ताव गया है और इसके सिंचाई विभाग के जो लोग हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि ये जो लाखों रुपये की तनख्वाही सिंचाई विभाग ले रहा है, क्या MLA, MP, MLC विधानसभा, लोकसभा में कोई मसला उठाएं तभी काम होना चाहिए? क्या उनको नहीं देखना चाहिए? जब मैं आगरा में पहली बार आया था और मेरे ख्याल से 30 साल हुए होंगे, तो वाटर वर्क्स का पानी छत पे आता था,
एक दिन वाइफ ने कहा पानी नहीं आ रहा, तो मैं टिल्लू खरीद के लाया, फिर कहा टिल्लू भी हाँप गया है तो मैं जेट लाया, फिर जेट पानी छोड़ गया तो समर बहन जी को लेके आया। आजकल समर सेबल भी हाँफ रही हैं, थक रही हैं, तो गिरता हुआ भूजल स्तर बहुत बड़ी समस्या है। आगरा में बैराज इसलिए जरूरी है कि वाटर लेवल ऊपर उठ जाएगा। यहाँ के पानी में खारापन बहुत है, अच्छी बात है कि हम गंगा जल पी रहे हैं, लेकिन देहात में गंगा जल नहीं पी रहे हैं, तो वाटर लेवल ऊपर उठाएगा और पानी बड़ा रोमांटिक होता है। दुनिया के कई देशों ने अपनी नदियों से अपने पर्यटन को बढ़ाया है। हम दुनिया में क्यों जाएं? क्या टेम्स के किनारे रहने वाले शहरों ने पर्यटन को बढ़ाया है, मिसिसिपी पे, नाइल पर अथवा बोल्गा पर? हम विदेश का उदाहरण क्यों दें? लखनऊ के बैराज को रिश्तेदार देख, सॉरी वो क्या है, रिवर फ्रंट को लोग देखने जाते हैं। और जब मैं पहली बार एमपी होके अहमदाबाद गया तो मेरी होटल की खिड़की पीछे साबरमती की तरफ खुलती थी, तो लोग शौच के लिए वहाँ बैठे थे, भैंसे घूम रही थी, कूड़ा पड़ रहा था। इसके बाद जब मैं मोदी जी के बाद गया तो मैं ही नहीं जाता हूँ, अमेरिका, रूस और जापान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते हैं तो मोदी जी रिवर फ्रंट पर उनको साबरमती ले जाते हैं और झूला झूलाते हैं। तो ये हमारा जो बेस्ट पार्ट होना चाहिए यमुना का, जो यमुना के किनारे ताजमहल टू रामबाग चौराहा, वो हमारा वर्स्ट पार्ट है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, हथनी कुंड से हमारा एक समझौता दिल्ली और हरियाणा से हुआ है, उसकी वजह से कितने क्यूसेक पानी होना चाहिए वो आना चाहिए। दिल्ली हमारी बहुत बड़ा है कि सीवर पड़ रहे हैं, हालांकि यमुना एक्सप्रेस, सॉरी यमुना एक्शन प्लान चल रहा है, गंगा एक्शन प्लान चल रहा है, जब तक ट्रिब्यूटरी नदियों को भी हम ठीक नहीं करेंगे, जैसे एरन है, सॉरी वो है अपनी सिरसा है, और ये एटा की पांच करों नदी है, हम बेतवा आती है इसी में, चंबल आती है इसी, चंबल नहीं इसमें नहीं आती, सॉरी बेतवा आती है, सहसों आती है, रिंद आती है, आरिंद आती है, इन इन में ये छोटे शहरों के बगल से, तो वहाँ से नाले वाले और केमिकल्स बहुत आते हैं। तो यमुना हमको सीवर दे रहा है, फिर एक बैराज मथुरा में बन गया है, तो यहाँ आते आते हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन यमुना मैया खुद रास्ता निकालेंगी और हम लोग भी काम कर रहे हैं यमुना एक्शन प्लान पर। बैराज बन जाएगा तो जल क्रीड़ाएँ होंगी, जो मैं कह रहा था, तो इसमें स्टीमर चलेंगे तो कम से कम 7-8 महीने पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और नाइट लाइफ आगरा की थोड़ी सी शुरू हो जाएगी। पर्यटक यहाँ रुकेगा, रात में कुछ लेजर वेजर शो हम लोग करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि बैराज बन जाएगा। तीसरा आपका था खेरिया एयरपोर्ट पर, क्योंकि मैं जब एमपी बना हूँ तब तक आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लड़ाई राजनीतिक लोग हार गए यहाँ के, मुझे विरासत में मिला है तब जेवर हो चुका था, लेकिन मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि मेरे ही कार्यकाल में, मुझे बहुत आत्मप्रशंसा करना अच्छा ही लगता है, लेकिन ये 70-80 साल पुराना एयरपोर्ट है। जब मैं 7-8 साल की उम्र का था तो मैंने पहला जहाज देखा था खजुराहो में, मेरे भाई वहाँ पुलिस अफसर थे, तो मैंने कहा मेरे को जहाज देखना है, तो उन्होंने कहा चलो, उन दोनों बहुत ज़्यादा ही हाईजेक नहीं होते थे, तो मैं पीछे से घुसा, आगे निकला, कॉकपिट में घुस गया, पायलट से कहा अंकल कहाँ से आए हो? बोले आगरा से। अच्छा, आप आगरा से चलते हो, नहीं दिल्ली से, जाओगे कहाँ? बनारस। तो दिल्ली आगरा खजुराहो बनारस ये 70-80 साल फ्लाइट चलती थी, 70 साल पहले चलती थी, वही मुझे मिली थी एक, बल्कि ये और हो गया, उसमें संशोधन हो गया, वो 3 दिन की हो गई, पता नहीं किन लोगों ने वो 3 दिन बनाए, उसमें एक शुक्रवार रख दिया जिस दिन ताजमहल बंद होता है। तो अब आजकल मुझे अच्छा लग रहा है कि लखनऊ आगरा फ्लाइट चल रही है, भोपाल आगरा फ्लाइट चल रही है, बेंगलुरु में 10,000 बच्चे हमारे आईटी सेक्टर में या तो नौकरी करते हैं या पढ़ रहे हैं, वो हमारी चल रही है, मुंबई हमारी चल रही है, मैं बहुत जल्दी कलकत्ता को चलाऊंगा और गुवाहाटी को चलाने का वो ज्योतिराज सिंधिया ने ये कहा अपने अधिकारियों को, कौन सा सेक्टर फेल होगा कौन सा चलेगा, एसपी सिंह बघेल से सीख हो जा करके। हमारा कलकत्ता में मारवाड़ी समाज बहुत रहता है, जो राजस्थान की तरफ के रहने वाले हैं वो अपने आएंगे। दूसरी बात, गुवाहाटी इज द गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, तो मेघालय में एयरपोर्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए एक फ्लाइट रोज जा सकती है। आगरा मीन्स नॉट आगरा, आगरा एयरपोर्ट का मतलब आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, कासगंज, भरतपुर, धौलपुर और भिंडो मुरैना, इतनी क्लाइंटिज मिलेगी। और इन्हीं छोटे छोटे कस्बों के, एतमादपुर, टूंडला, जलेसर, सादाबाद, निदौली, मारारा, मिलेची, पिलुआ टाइप के, बाहा, पनहाट, फतेहाबाद, इनके व्यापारी कपड़ा खरीदने के लिए कलकत्ते भी जाएंगे, और लेदर का काम हम में और कलकत्ते में कॉमन है, इसलिए फ्लाइट चलेगी। नहीं बिल्कुल, फ्लाइट चलनी भी चाहिए सर। 2024 को लेकर के नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा, विपक्ष एकजुट हो रहा है, बिहार से लेकर के और कोलकाता तक कई सारे स्टेट हैं जहाँ पे आप अभी जो परचम फहराना चाहिए वो नहीं है। तो 2024 क्या कठिन होने जा रहा है आपके सामने, और कौन अगर पीएम मटेरियल सामने आता है तो आप लोगों को आसानी होगी, और कौन आता है तो थोड़ी सी जो है संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर हम चर्चा को यहीं खत्म करेंगे।
जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उस पर संक्षेप कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लाल कारपेट थोड़े जनता बिछाई हुई। देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री जो बने या जनता जिसको चाहती है, तो उसका सोबर होना बहुत जरूरी है, इसका 100% ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो आप ये देखो कि जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो कांग्रेस जोड़ो नहीं कर पा रहे हैं, और वो दगे हुए कारतूस सब हो चुके हैं। मैं बहुत डरता था कि राहुल गांधी जब राजनीति में आएंगे तो संजय का जमाना आ जाएगा, प्रियंका जी जब आएंगे तो इंदिरा गांधी की छवि लोग उसमें देखेंगे। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मुद्रा नहीं चल पाई। प्रियंका जी का जहाज़ जब दिल्ली से उड़ता है तो फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर रायबरेली पे उतरता रहा, और वो अमेठी रायबरेली करके आ जाती थी। रायबरेली तो बची है लेकिन अमेठी उनसे छिन गई है, और शायद राहुल गांधी को एहसास था इसलिए वो केरल चले गए। तो ये तो एक भारत जोड़ो नहीं हो पाएगी। ये ऐसे नहीं होता है कि अपने सैंडविच खाएं और अपने लोटों के सूज पहनें और एसी टेंट में रहें। यात्रा करनी है तो चंद्रशेखर जी जैसी किसी को करना चाहिए, यात्रा करनी है तो मुलायम सिंह जैसे क्रांति रथ को निकालना चाहिए, यात्रा करनी है तो अडवाणी जैसे रथ को निकालना चाहिए, यात्रा करनी है तो देवीलाल के विजय रथ को या वो अपने एंटी रामाराव के, लोगों से भारत को गांधी जैसी करनी चाहिए। आपने गांधी फिल्म में देखा होगा कि वो कपड़े पहने हुए थे, एक महिला को नहाते हुए देखा और उसके पास वस्त्र बदलने के लिए, गांधी ने उसी दिन से अपने ऊपर वाले कपड़े त्याग दिए। लोक भाषा सुननी चाहिए और बोलनी चाहिए, लोक भोजन करना चाहिए और लोक भाषा में बात करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम चमचों से घर जाएं यात्रा में और कोई छू ना पाए, कोई बात ना कर पाए। एक दिन कलावती का खाना खा लो, हम तो एक दिन खटिया पे बैठ के बात कर लो, जिंदगी निकल गई हमारी खटिया पे बैठते बैठते क्षेत्र में। और आज तक चारपाई पे ऊपर नहीं बैठ पा रहा हूँ, 62 साल का हो गया हूँ और 6वीं बार जीत गया हूँ, क्योंकि मेरे से सीनियर लोग अभी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीच में बैठता हूँ। ये भी एक तहजीब होती है कि मेरे से जूनियर चारपाई पे नीचे की तरफ बैठ जाए, मेरे से सीनियर ऊपर बैठ जाए। मैं आज तक हिम्मत नहीं कर पाया हूँ कि मैं चारपाई पे ऊपर की तरफ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठ पाऊँ। आपने खटिया का आपने कहा, मीडिया ही तो करती है। ये विपक्षी एकता मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत हो रही है, लेकिन आप लोग हैम्बरिंग करा रहे हैं कि नहीं करिए 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 करिए, तो ये चल नहीं पाएगा। दूसरा, इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए उसकी पार्टी के चिन्ह को 5 साल के बच्चे को पहचानना चाहिए। क्या नीतीश के तीर को लोग जानते हैं? क्या वो एक और हमारे यहाँ तेलंगाना वाले या तेलंगाना यस तेलंगाना अब मैं नाम भूल रहा हूँ चंद्रशेखर जी का, मैं नाम भूल रहा हूँ राव का, तो सोचो कॉमन मैन को कैसे पता चलेगा। और 8 MPOs वाली पार्टी के केजरीवाल साहब भी सोच रहे हैं, तो और अखिलेश यादव भी सोचते हैं, वो तो लड़ाई में ममता भी हैं, लड़ाई में केजरीवाल भी हैं। केजरीवाल गुजरात में तो चुनौती दे रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा ना कि दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियां हो रही हैं। और इस मोदी की बाढ़ के लिए, एक पेड़ पर जैसे बाढ़ आती है तो सांप भी आदमी भी और सारे लोग चढ़ जाते हैं, फिर प्रतीक्षा करते हैं ये बाढ़ कब निकले, हम एक दूसरे को काटना शुरू करते हैं। चलिए सर, बाढ़ नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप तूफान लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही बेबाकी से सवालों का जवाब दिया, लेकिन जवाब इतने लंबे होते हैं, हमारे बहुत सारे सवाल रह गए। 8 साल की सत्ता में एक दाग न लगे जी, न ऐसा हो सकता हुआ है आज तक? कांग्रेस के शुरू सरकार में जीप कृष्णा मेनन का जीप घोटाला हो गया था, बोफोर्स हो गया, अंतरिक्ष में हो गया, 2G हो गया, 3G हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, आप एक दाग ढूंढ पा रहे हैं जी? तो और कैसा प्रधानमंत्री जी? जनता क्यों बेईमान लोगों को देश की कुर्सी पर बैठा करके देश को लुटवाए? ना मांझी ना रहबर ना हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी ये कैसा सफर है, गरीबी का अपना फकीरी का अपना अलग ही मजा है, ना पाने की चिंता ना खोने का डर है। ऐसा